नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एंड नेटवर्क। दोस्तों, कोरोना के बाद से अगर हम केवल नॉर्मल फीवर की बात करें तो पहले ऐसा ना था जो अब है। फीवर 2 से 3 दिन होना आम सा हो गया है और बिना टैबलेट लिए आप ठीक नहीं हो सकते। फीवर ऐसा कि हाई टेम्परेचर और थकावट ऐसी कि कमर तोड़ दे। लोगों का कहना है कि कोरोना के बाद से काफी कुछ सब बदल गया है। तो दोस्तों, आज इसी को लेकर आपके सामने कुछ बात करेंगे। दोस्तों, हाल ही में एक स्टडी हुई है, लंदन की क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी की स्टडी में एक बात का खुलासा हुआ है। क्या है वो खुलासा, आइए आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, लंदन की क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में कोरोना के बाद होने वाले गलत प्रभावों को लेकर चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। यानी कि कोरोना के बाद से क्या प्रभाव हुए हैं मानवीय शरीर में, उसको लेकर स्टडी आई है और ये स्टडी काफी चौंका रही है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि कैसे जिन लोगों को कोरोना हुआ है उनमें ब्लड क्लॉटिंग और दिल से जुड़ी बीमारी का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है उनकी तुलना में जिन्हें कि कोरोना नहीं हुआ है। साथ ही साथ मौत का खतरा भी उनकी तुलना में बढ़ गया है जिन्हें कोरोना नहीं हुआ था। तो आइए चलते हैं, क्या कहती है स्टडी, आपको बता रहे हैं। दोस्तों, क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी की स्टडी में लंदन के 54,000 से ज्यादा संक्रमित और गैर संक्रमित व्यक्तियों पर स्टडी की गई थी। स्टडी में ये बात सामने आई कि कोरोना मरीज जो अस्पताल में भर्ती नहीं हुए उनमें गैर संक्रमितों की तुलना में ब्लड क्लॉटिंग का खतरा, आपको बता दें, 2.7 गुना तक ज्यादा रहता है। मौत का खतरा भी गैर संक्रमितों की तुलना में 2.2 गुना ज्यादा बढ़ गया है। दोस्तों, क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी की स्टडी ने तो चिंता बढ़ाई है, वहीं दूसरी तरफ एक और यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के स्मिडिट हार्ट इंस्टीट्यूट ने भी इस विषय पर अपनी एक स्टडी को जारी किया है। उनका कहना है कि कोरोना की वजह से हार्ट अटैक का खतरा भी ज्यादा बढ़ गया है। रिसर्च के हिसाब से 24 से 44 एज के लोगों में हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा पाया गया है। साथ ही रिसर्च ये भी बता रहा है कि कितने केसेस बढ़ गए हैं कोरोना के बाद से। हार्ट अटैक से मौत के मामलों में वृद्धि देखी गई है। कोरोना काल में ये आंकड़ा 1.64 लाख पहुंच गया, जो कि पहले था 1.44 लाख। यानी कि कुल मिलाकर वृद्धि देखी गई और काफी वृद्धि, यानी 14% तक की वृद्धि को देखा गया है। स्टडी ये भी बताती है कि कोरोना से संक्रमित होने के 30 दिन के भीतर ब्लड क्लॉटिंग और दिल से जुड़ी बीमारी होने का जो खतरा है वो सबसे ज्यादा बना रहता है। वहीं ये खतरा कोरोना से रिकवर होने के बाद भी लंबे समय तक बना रह सकता है, ये भी स्टडी बता रही है। अस्पताल में भर्ती होने वाले कोरोना मरीजों में गैर संक्रमितों से यदि कंपेयर किया जाए तो ब्लड क्लॉटिंग का 27.6 गुना ज्यादा है, हार्ट फ्लियोर का 21.6 गुना, वहीं स्ट्रोक का 17.5 और कार्डिक आर्थिमिया का 10 गुना खतरा ज्यादा रहता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिन कोरोना मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी वो भी सावधान रहे, उनमें ब्लड क्लॉटिंग का खतरा 2.7 गुना ज्यादा होता है, ये स्टडी बता रही है। यानी ऐसे मरीजों में मौत का जो खतरा है 10 गुना से ज्यादा रहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार स्टडी बता रही है कि कोरोना मरीजों को अस्पताल में यदि भर्ती कराया गया था तो उनमें गैर संक्रमितों की तुलना में ब्लड क्लॉटिंग और हार्ट डिसीज का खतरा ज्यादा रहता है। तो दोस्तों, ये थी स्टडी जिसमें हार्ट अटैक के केसेस बढ़ गए हैं कोरोना के बाद से, उनमें जिन्हें कोरोना हुआ था या थोड़े भी लक्षण पाए गए थे ऐसे व्यक्तियों में, और जिन्हें नहीं हुआ तो उनकी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन साथ ही साथ दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया और ब्लड क्लॉटिंग के केसेस भी काफी हद तक बढ़ गए हैं जिन्हें कोरोना हुआ था ऐसे पेशेंट्स में। तो फिलहाल स्टडी काफी चौंकाने वाली है। इस खबर में इतना ही, और खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एंड वर्ल्ड से। इजाजत दें, नमस्कार।